हितेंद्र जी, क्या आप हमें बता सकते हैं पांच ऐसे सिंपल स्टेप्स जिससे कि मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक अच्छा निवेश कर सकूं? जी, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। जब आपको अपना पर्पस क्लियर होगा कि किस पर्पस से मेरी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जानी चाहिए, तो आपके लिए उससे रिस्पेक्टिव या उसको कॉरेस्पॉन्ड करते हुए एक इक्विटी फंड चूज करना काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको या मुझे मेरी रिटायरमेंट के लिए आगे 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे बहुत क्लियर है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसको कॉरेस्पॉन्ड करते हुए इक्विटी फंड ढूंढने में मेरे को थोड़ी सी मदद हो जाएगी, बिकॉज मेरा टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है। तो पहली चीज तो मेरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ होना चाहिए कि मैं किस पर्पज से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा टाइम होराइजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो कम से कम मेरा टाइम होराइजन इस इन्वेस्टमेंट के साथ 5 साल का होना चाहिए। अगर 5 साल से कम है तो मैं सजेशन नहीं देता हूँ कि आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। जो पैसा आपका 5 साल या उससे ज्यादा रुक सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, सिर्फ उसी को ही इस पैसे को इन्वेस्ट करा जाए। तीसरी चीज आपको समझना पड़ेगा अपना रिस्क एपेटाइट, कि क्या मेरा रिस्क एपेटाइट है उस इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, क्या मैं उसकी जो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जाने की जो उसकी फितरत है उसको मैनेज कर सकता हूँ, कि वो मार्केट की न्यूज के और इवेंट्स के बेसिस पे डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाएगा, क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा शॉर्ट टर्म में। अगर आप उन सब चीजों को कर लेते हैं तब आपको एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें आप टॉप फंड्स जिनको आप सेलेक्ट करते हैं पहला उसके बेंचमार्क की परफॉर्मेंस के साथ। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को ये आइडेंटिफाई हो गया कि मुझे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैंने एक लिस्ट निकाली लार्ज कैप फंड की जो हिंदुस्तान की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। उसमें से सबसे टॉप 5 कंपनीज निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कौन सी 5 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को, जिससे उसका कंपेरेटिव हो रहा है, उसको बीट किया है। तो इनका कंपेरेटिव जनरली इनका बेंचमार्क होता है S&P 100 या Nifty 50 या BSE Sensex से इसका कंपेरिजन किया जाता है। तो उसके रिटर्न को अगर ये बीट करे तो इसका मतलब अच्छा फंड है, अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा जो आप कंपेरिजन करते हैं उन टॉप फंड का, इनकी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने जो फंड चूज किया उसका रिटर्न आया 15% और कैटेगरी का रिटर्न है 12%, तो इसका मतलब ये कि इसने ओवरऑल अपनी पूरी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट किया है। तो कहीं ना कहीं अच्छा फंड है, आपको उसको अपनी सिलेक्शन लिस्ट में रखना चाहिए। सबसे लास्ट में जो क्राइटेरिया है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मैं कोई भी इक्विटी फंड सिलेक्ट करता हूँ, वो है उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि तो इस सारे फंड को, इस पैसे को मैनेज करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो फंड मैनेजर। तो अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैं वो कॉन्फिडेंस दिखा के उसको वो पैसा दे सकता हूँ मैनेज करने के लिए। तो मैं आपकी पांच बातों की अगर समीक्षा करूं, पहले लक्ष्य, दूसरा समय अवधि जो कम से कम 5 साल होनी चाहिए, तीसरा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को बर्दाश्त करने की मेरी मानसिक क्षमता, चौथा कि वो बेंचमार्क और अपने कैटेगरी परफॉर्म इंडेक्सेस के कंपैरिजन में कैसा कर रहा फंड्स ने परफॉर्म किया, और आखिरी फंड मैनेजर कैसा है। इन 5 चीजों पर निर्भर करते हुए मेरे को अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना जी। चाहिए। Gotta focus on this.